चालू वित्त वर्ष में 6,003 करोड़ रुपए रेलवे ने जम्मू कश्मीर की विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटित किया है। जम्मू तवी बटगांव तथा शहीद तुषार महाजन स्टेशन उधमपुर का अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत अपग्रेडेशन किया गया है और मुझे बताया गया है कि सभी स्टेशनों पर काम तेज गति से चल रहा है। जम्मू संभाग के अन्य कई स्टेशन जैसे सांबा, कठुआ, मनवाल, संगढ़ पर भी अपग्रेडेशन का काम रेलवे कर रही है ताकि स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। इसी वर्ष अक्टूबर में बटगांव से बनिहाल के बीच स्टेट ऑफ द विस्टो डॉम कोच की शुरुआत की गई। कश्मीर घाटी के लिए 4 नई रेलवे लाइन अवंतीपुरा सोपिया, सोपोर कुपवाड़ा, अनंतनाग पहलगांव तथा बारामूला उरी के फाइनल लोकेशन सर्वे का काम भी रेलवे कर रही है। इसके अलावा बारामूला बनिहाल सेक्शन के डबलिंग प्रोजेक्ट के लिए फील्ड तथा ड्रोन सर्वे का काम भी रेलवे ने पूरा कर लिया है। आप सब जानते हैं कि आने वाले वर्ष में कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे से जुड़ जाएगा। ये एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार केवल जम्मू कश्मीर नहीं पूरा देश कर रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में शीघ्र ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस योजना को यात्रियों को और यहां के स्थानीय लोगों को समर्पित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे में आई नई गति ने ईज ऑफ ट्रेवल, आम नागरिकों के जीवन यापन, रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित की है। मैं मानता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज पूरा देश ऐसे जम्मू कश्मीर की तस्वीर देख रहा है जो तीव्र गति से संपन्नता और समावेशी विकास की नई सीढ़ियां चढ़ रहा है और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके नागरिकों की उम्मीदों को साकार भी कर रहा है। आज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो भक्त यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड भी शिवखोड़ी के विकास के लिए तत्पर है, वहाँ भी काम तेज गति से चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में कटरा से शिवखोड़ी हेली सेवा भी प्रारंभ की जाएगी ताकि भगवान शंकर का दर्शन भी यहाँ के भक्त कर सकें।